देश में जो है मांग है नरेंद्र मोदी का, अच्छा। पूरे दुनिया में भारत का शान जो है बढ़ा है। देखिए लालू यादव के शासन में जंगल राज था, मोदी है तो नमकीन नहीं है। बहुत अच्छा काम हुआ है नीतीश कुमार के राज में, नहीं निकलता था आज के डेट में बहन पति घर से बारह बजे रात के रात के निकल के चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी है तो नमकीन नहीं है। हमारे पास चार चक्का गाड़ी नहीं है, हमारे पास छोटा मोबाइल रखते हैं, आराम से काम करते हैं। नमस्कार, इन खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पहुंच चुकी है। इस वक्त हम हरी जी के चाय दुकान पर मौजूद हैं। ये वही मोतिहारी है जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है यहां से, और मोतिहारी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर देखिए शानदार महफिल जुटी हुई है। यहां पर अमूमन आप देखें कि यहां पर चाय पर राजनीतिक चर्चा होती रहती है। यहां पर कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ माहौल चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर छह बार यानी कि जो बीजेपी की तरफ से कुल मिलाकर के राधा मोहन सिंह जो इस बार चुनावी मैदान में, वो छह बार सांसद चुने जा चुके हैं, दसवीं बार वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं उनके खिलाफ इंडी गठबंधन की तरफ से राजेश कुशवाहा चुनावी मैदान में है जो वीआईपी। चाचा क्या नाम हुआ आपका? यादवलाल पासवान। बैठ जाइए, बैठ जाइए। यादव भी पासवान भी? यादव लाल पासवान। अच्छा, यादव लाल पासवान। क्या माहौल है, अजीब नाम है आपका एकदम, समीकरण बहुत भयानक बैठ रहा है आपके नाम में, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो यही है कि देश देश में जो है मांग है नरेंद्र मोदी का, अच्छा, क्योंकि पूरे दुनिया में भारत का शान जो है बढ़ा है, अच्छा, और सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं। बहुत तरह का योजना जो है गरीबों के उत्थान के लिए बनाया गया है, और निश्चित रूप से अपरिवार फिर तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और यह सीट मोतिहारी से भी मोतिहारी सीट भी राधा मोहन जी का सीट निकाल लेंगे। तो क्या लग रहा आपको, चिराग पासवान उस साइड है इसलिए आप ये बातें कह रहे हैं? नहीं, ऐसा बात मोतिहारी का विकास देख करके कह रहे हैं? हाँ, मोतिहारी का विकास तो हुआ है, सबका साथ सबका विश्वास या विकास की बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो मोतिहारी का विकास हुआ? हाँ हुआ है। मोतिहारी का भाई साहब तो कह रहे थे चाचा, नहीं नहीं, मोतिहारी में आप देख लीजिए ये स्टेशन जो बन रहा है, अच्छा, ये स्टेशन जो स्मार्ट स्टेशन बनने जा रहा है वह जो है राधा मोहन जी का देन है। विश्वविद्यालय जो बना है ये राधा मोहन जी चीज के लिए, एक उनकी बातों को ले लेते हैं, तो नजदीक थोड़ा आ जाए, उस सिस्टम की चीज है वो बनवे करेगा। अच्छा, कौन सा सिस्टम की चीज है? उनके अथी करने से थोड़े बन रहा है, वो स्टेशन पुराना है तो बनवे करेगा। विकास क्या किया यही पूछिए ना, विकास जो है देखिए विकास क्या किया है आपके घर जाकर के जो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हर घर में शौचालय दिए हैं, हर घर को जो है आयुष्मान कार्ड बना है, गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर दिया गया है, बिजली मिल रहा है। पहले कांग्रेस के शासन में क्या था, कुछ नहीं था। कई लोग तो कह रहे हैं कि पहले गैस सस्ता था, राशन जो मिल रहा है उसमें से 5 किलो, अच्छा 4 किलो सस्ता। महंगाई की बात आप कर रहे हैं, एक गरीब के घर में 20,000 का मोबाइल है, 20,000 का, जितना घर में सदस्य है सब लोग 20,000 के मोबाइल रखा है, कहते हैं कि गरीबी है। नरेंद्र मोदी दे दिए हैं जिसके घर में 20,000 का, अच्छा तो कहाँ से खरीदा है, कमा के खरीदा है, अब कहते हैं कि खाने के लिए, या जिसके नहीं नहीं जिसके ना जिसके घर में जिसके चंपारण में क्या विकास हुआ है? चंपारण में कृषि विज्ञान केंद्र खुला है, मदर डेयरी खुला है, उसमें रोजगार मिला है लोगों को, और विश्वविद्यालय बना है, और हर रोड बना है, मोती झील जो है, मोती झील पर जो है करोड़ों रुपया आ रहे हैं, करोड़ों रुपया आ रहा है, तो दिख नहीं रहा। जब मैं भी अभी घूम रहा था, दिखाई दे रहा है, सिर्फ सफाई हो रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है, चीनी मिल बंद है इतने दिन से आयुर्वेद पलायन यहाँ से होता है, पलायन रुका है यहाँ से, मजदूरों का पलायन बाहर जा रहा है रोजगार के लिए, यहाँ कुछ है कुछ नहीं। अरे चीनी मिल बंद करवा बीजेपी अब खाती चीनी मिल चालू है जिसका किसान हम लोग किसान कर रहे हैं, अभी तक ले नहीं मिला। ध्यान दीजिए इसका भी सुनना। देखिए लालू यादव के शासन में जंगल राज था, कोई सुरक्षित नहीं जाता था, कोई रास्ता से घर में से कोई निकलता था ना तो घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा उसको भी जो है एसी में था।
कहीं लूटपाट, ये बात है कि ना। अभी कानून का राज है नीतीश कुमार, हर घर, हर बिहार में, पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया है और पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी भारत का नाम रोशन किया है। भैया आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राज में शासन बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है नीतीश कुमार के राज में। हाँ बहुत विकास हुआ, जंगल राज से तो बहुत अच्छा हुआ है आज के डेट में नीतीश कुमार के 15 वर्ष के शासन में। जो बहन बेटी घर से नहीं निकलता था, आज के डेट में बहन बेटी घर से 12 बजे रात के 1 बजे रात के निकल के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विकास की बात करें तो मोतिहारी बहुत अच्छा हुआ है, विकास हुआ है। की पहले पवन से मोतिहारी आने जाने में 2 घंटा लगता था, आज के दिन में आधा घंटा में आ जाता है मोतिहारी लोग। तो सिर्फ सड़कों का जाल बिछा है या सड़कों पे ही काम हुआ? सब कुछ, सड़क, बिजली, बत्ती, पानी और टोटल दिया है, और टोटल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अच्छा चल रहा है और हम लोग बीजेपी की ही एकदम। 17 महीने में तेजस्वी जी उतना नौकरी दे रहे, नीतीश कुमार का है नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री नौकरी देता है, मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? कि नहीं बिल्कुल थे, तो कहे नहीं दे दिए? 17 महीने में जितना तेजस्वी जी नौकरी दे दिए, नौकरी देने के 15 वर्ष में लालू यादव थे तो क्या दिए? 15 वर्ष मोदी है तो नमकीन नहीं है, ये लबरई के झुमके हम लोग रही है भैया, गरीब का शान है। क्या क्या मिला फायदा आपको मोदी जी? भाई मिला राशन खा रहे हैं, गटो सो रहे हैं मोदी के नाम पर, 5 किलो राशन पूरा महीना, 5 किलो कैसे, बस वो फैमिली है 50 किलो हुआ, कमाते 500, खाते डॉट के। लबरई हमको नहीं बोलना है, हमारे पास 4 चक्का गाड़ी नहीं है, हमारे पास छोटा मोबाइल रखते हैं, आराम से काम करते हैं, स्क्रीन टच मोबाइल रखते हैं, दूसरे का फोटो खींच के अभी आ रहे हैं हम लोग, ठीक है मेरा छोटा। इसलिए लबरई का हाफ पानी नहीं चलेगा। महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा, महंगाई इतना देश में गाड़ी खरीदा रहे हैं डेली का डेली, कहाँ महंगाई है भैया? तो मतलब गाड़ी खरीदा है तो महंगाई, 18 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख गाड़ी चल रहा है, पैदलिया गरीब के लिए महंगाई है। लबरई खाली वोटर के दिमाग में डालने के लिए, मोदी के नाम पर कोई झूठा नहीं चल सकता है, मोदी जो कर दिया किसी से नहीं हो सकता है। कुछ और लोग उनके भी रिएक्शन लेंगे। क्या लग रहा है, मोतिहारी से ही है आप? मोतिहारी का विकास हुआ? मोतिहारी का बहुत असर विकास हुआ है, मोतिहारी का सब जगह विकास हुआ है, रोड नाला सब जगह बन ही रहा है, रोड नाला विकास देखते हैं, रोजगार, महंगाई, महंगाई कहाँ बढ़ा है, पहले से महंगाई भुखमरी का है नहीं, महंगाई बढ़ा है ठीक है, लेकिन हमेशा समय समय पर महंगाई भी बढ़ना जरूरी है। महंगाई बढ़ता है तभी किसी को कमाने का चिंता भी होता है। अच्छा, कमाने का चिंता कब होगा? महंगाई नहीं रहेगा, अगर सरकार हमको दे देगा घर पर पहुँचा के तो हम कमाना चाहेंगे, घर पर बैठ के निकमा बैठ के खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अपना कर्तव्य है काम करना है, कोई भी काम करना। मोतिहारी में किसकी लहर है? मोतिहारी में तो बीजेपी का शुरू से लहर आता है, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जबरदस्त होने वाला है। मोतिहारी से कुत्ता को भी माला पहना के बीजेपी खड़ा कर देगा तो मोतिहारी से बीजेपी का ही नाम पर वोट मिल रहा है, मोदी जी के नाम, मोदी जी के नाम पे, ऊपर कोई भी ऊपर देखता है, सांसद सांसद काम करे या नहीं करे, कोई सांसद से कोई किसी को कुछ नहीं आता है। इतना काम राधा मोहन सिंह किए हैं मोतिहारी में तो अपने काम पर काहे नहीं वोट मांग रहे हैं? काम पर वोट मांगना चाहिए, बहुत काम किए हैं, मोदी जी के नाम पर कहला, मोदी जी के मंदिर के पुजारी बता रहा है अपने आप को, कह रहे हैं हम मोदी जी के मंदिर के पुजारी है, काम किए तो काम के नाम पर वोट मांग लेना चाहिए ना। क्या लगता है आपको कि बीजेपी वाले जो है नेता जो है वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर, हम मोदी जी के नाम ही पर वोट मांगते हैं? इनको यहाँ से कोई वोट दे देगा राधा मोहन सिंह के नाम पर? कोई नहीं देगा। चंपारण के बात कर रहे हैं, हम जाति पंडित जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन हम ही बात कर रहे हैं। आप भी खिलाफ है, कहा जाता है कोर वोटर है? खिलाफ है, मेरा समाज ही खिलाफ है। हम का खिलाफ है? मेरा समाज ही खिलाफ है। अच्छा, ये लालू यादव का कुशवाहा कार्ड खेलना कितना फायदामंद होगा साबित यहाँ पर? मुझे क्या होगा, कितना फायदामंद? पूरा 75-80% इधर जाएगा, नीतीश कुमार के साइड नहीं रहेगा? तो कुशवाहा को ज्यादा फसल दिए है ना, इसके चलते सब कुशवाहा आ गया है, इसलिए जाकर देहात में पूछिए, जो पक्का था वो सब आ गया है। इधर तो एक वो बूथ पर जीत नहीं होगा, मोतिहारी से पूरे 10-20 गो पंचायत है, कहीं नहीं। ये लालू यादव का जो कार्ड है सही सफल हो जाएगा? हाँ एकदम सफल होगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है, आप मोतिहारी से हैं?
मोतिहारी से है, हमको न राधा मोहन सिंह से मतलब है अच्छा, न इनसे मतलब है। हम लोग वोट दे रहे हैं 370 राम मंदिर, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल स्टेशन, तो नेशनल मुद्दा पर ये चुनाव है और देश का लोकसभा का ही चुनाव है। आपके कॉल हल वाले के लिए, आपका नल हल वाले के लिए ये चुनाव नहीं। सांसद निधि से जितना काम होना चाहिए उतना तो होना। अरे छह गो तो ओवर ब्रिज बन रहा है भैया, यहाँ पर 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब कौन कर रहा है? मोदी कर रहे हैं, इसीलिए राधा मोहन सिंह के नाम पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग सर्व सही में नेशनल इशू पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो आप अभी देखे होइएगा कि हमारा पायलट जो वापस आया, किसी भी प्रधानमंत्री के बस का रोक था? यूक्रेन का युद्ध जो हुआ, हमारे देश का विद्यार्थी हमारे देश में सुरक्षित पहुंचा, तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। कौन था जो ला देता आपको? न भूतो न भविष्यति, ये न कभी हुआ था न कभी होगा। इसीलिए मोदी को हम लोग बचा के रखना चाह रहे हैं, किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी को सीधा वोट जा रहा है, सीधा मोदी को वोट जा रहा है और नेशनल इशू पर जा रहा है। ये बिहार सरकार का चुनाव होगा। मतलब भाई साहब भी कह रहे थे कि किसी को भी बीजेपी यहाँ से टिकट दे तो वो जीत जाए। मोदी किसी को टिकट देगा तो क्या दिक्कत है? हमको नेशनल इशू है ना हमारा। हम आपकी बात कर रहे हैं 370 पर राम मंदिर, जो 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे उस पर, तो हमको दिखाई दे रहा है कि मोदी का रहना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा पर हम लोग साथ साथ स्थानीय मुद्दा को, स्थानीय कोई मेरा मुद्दा, स्थानीय मुद्दा के लिए हमारे पास बिहार सरकार है, हम बिहार सरकार से बात करेंगे, बाकी नेशनल मुद्दा पर बिहार सरकार से बात करेंगे। बिहार सरकार जो भी छोटा मोटा इशू है वो बिहार सरकार से लेंगे, जो 25 में बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ नेशनल इशू पर बात कर रहे हैं। मतलब नाम पे सिर्फ या काम पे? वो काम विकास, मोदी का क्या है? विकास के साथ हमारा राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्त और विकास दोनों को एक साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। कोई जाति पाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। लालू यादव कुशवाहा का काम नहीं करेगा? जब नेशनल इशू पर बात होगा तो जात पात कहाँ से काम करेगा? बिहार में जाति पर वोट ना हो ऐसा संभव है? जो नहीं हुआ है वहीं सब तो हो रहा है। 370 पर पहले कांग्रेस के जमाने में सुनते थे कि खून की नदियां बह जाएगी, ठीक है, एक मच्छर का भी खून नहीं बहा। आप देखे हुईगा, आप भी पत्रकार हो, तो बड़ी बड़ी इशू जब इच्छा शक्ति होती है तो वो समाप्त हो जाता है। तो ये सब कोई यहाँ ना जाति है, ना पाती है, ना धर्म है, विकास है और मोदी है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी चाचा एक बैठे हुए हैं इधर, देखते हैं क्या क्या नाम है चाचा आपका? उमा शंकर सिंह। क्या माहौल है इस बार? हमनी का भाजपा सहाई सर, फूल छाप में वोट दे, कोई दिले बने थे। फूल छाप खिलेगा अभी मोतिहारी? हाँ, एकदम खिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। नहीं, बहुत विकास हुआ मोदी के पाए के। हम सबका पेंशन मिलता है। कौन सा पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन मिलता है, 4 महीना पर 2000 रुपया मिलता है, चर चर माह पर। सड़क यही रहा, 84 बरस की उम्र हो गई। बड़ी मानी सरकार देख ल, बहुत सरकार देखले बनी, बगैर ऐसा सरकार नहीं की दिखले। बहुत प्रगति करता है सरकार। और जो देख मंदिर इनके बनवाल हुआ, तो मंदिर पर वोट मिली है? मंदिर पर ना वोट, पर काम पर वोट मिली, फ्री में राशन गरीब के पास। राशन कांग्रेस दे? ना ना, कांग्रेस सब कांग्रेस के राज में नहीं मिलता था। मिलता था तो सब राज दूसरे टाइप का था। इनका राज जो है एक नंबर का राज है। हम जब तक जिएंगे मोदी को ही वोट देंगे, फूल छाप में देंगे। तो शुरू से मोदी को वोट दे रहे हैं? हम शुरू से, पहले कांग्रेस था ना। अच्छा, उस समय कांग्रेस था, मैं थी, भाजपा नहीं ना था। हाँ, तो भाजपा जब से हुआ है तब से हम तो लोग एकदम आ गए। हाँ, कभी भी रहेंगे, जिंदा रहेंगे तब तक हम वोट भाजपा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मोदी जी। हाँ, मोदी जी रहेंगे वो भी तो मरेंगे। जो रहेगा उसको मैं वोट दूंगा। इधर ही गिरेगा? हाँ, फूले पर। अच्छा ठीक है, बिस्किट खाइए। बाकी अब एक और चाचा है, इनसे बात करेंगे, उसके बाद हम सीधे इसको खत्म करेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? नाम तो विनोद सिंह है, हम लोग भाजपा है। अच्छा, जो सर क्या बोलना है? हाँ, जो होगा देखा जाए। ठीक ठाक हो रहा है काम? हाँ, भाजपा ठीक है। क्या क्या लगता है कि आपको ठीक काम हो रहा है? थोड़ी बहुत नाराजगी है कि ऐसे कि मोदी जी के नाम पर सिर्फ खाली वोट ले रहे हैं सब? हाँ, मोदी जी के नाम पर वोट नहीं ले रहे हैं सब सांसद? मोदी जी के वोट दिया था राधा मोहन सिंह। हाँ, ठीक ठाक काम कर रहे हैं राधा मोहन? ठीक है। तो बहुत सारे लोग गुस्सा रहे हैं, काम कर नहीं रहे। नौ किस्म का लोग है, नौ किस्म को बोलता है।
क्या कीजिए, तो ठीक है। लालू के बारे में क्या ख्याल है, लड़का उधर लालू अब तो जीतेगा लोग तो अब ना कुछ होगा। तेजस्वी बड़ी रोजगार दे रहा है, कहाँ रोजगार है, रोजगार चला रोजगार दे दिया, कोई नहीं दिया है रोजगार। आपको कुछ, आपको कुछ मिला मोदी जी से? हम तो आए लेके हुके को रुपया ना जाने, मोदी जी से भी नहीं, ना मोदी जी से ना लालू से। कहियो मोदी जी, मोदी जी का सरकार है तो उसका नाम लिया जाएगा। अच्छा, नमक खा के नमक हरामी नहीं ना हो। नमक खा रहे हैं तो ऐसे नहीं खाते हैं, उसी का राज में है, हम लोग तो नीमके ना खाते हैं। इंदिरा जी के तो सरकार देखे होंगे आप, इंदिरा सरकार ऐसा तो इनका से कहा चोली चोली ना चोले के बाद। हाँ, अब तो सरकार दोनों में से कौन बढ़िया, वही था बढ़िया इंदिरा सरकार। हाँ। इनका से तो अभी मोदी जी के पसंद कर, अभी तो मोदी जी है ये है तो अब वो आएंगे तो अब ना। और राहुल आ गया तो राहुल वही कांग्रेस तो वही है। हाँ। राहुल अच्छा है, अबरी क्या आई मोदी आई की राहुल, ये अब हम कैसे कहेंगे, जो जीतेगा सो आएगा, कौन जीतेगा क्या लग रहा है ना, हमको अंदाज नहीं। चलिए तो ये मोतिहारी की जनता थी, हम पूर्वी चंपारण में मौजूद थे और यहाँ पर लोगों की राय हमने सुनाई आपको, बताई कि क्या कुछ यहाँ पर माहौल चल रहा है, क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दा पर राष्ट्रीय मुद्दा हावी है, विकास कितना हुआ है लोगों ने बताया है, विकास कितना यहाँ पर मायने रखता है ये भी लोगों ने बताया है, राष्ट्र स्तर पर विकास हो रहा है, तमाम मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय वो हावी हैं। अब देखना होगा कि यहाँ से लोग किसे सांसद बनाते हैं।